जय हिंद साथियों, मैं राहुल चोले की वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने कोस्टेबल वैक्सीन सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसका नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहिए, हम अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति, वो लगातार दो बार राष्ट्रपति बनने वाले या दो बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन में आपको क्या ध्यान रखना है, पहले उपराष्ट्रपति, इनका कार्यकाल भी दो बार लगातार था उपराष्ट्रपति में, और दूसरे प्रेसिडेंट के रूप में। हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम कुछ राष्ट्रपति को देख लेते हैं। तो पहले की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, दूसरे तो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे है जाकिर हुसैन, चौथे है बीबी गिरी फकरुद्दीन, फिर नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद में आर वेंकट रमन, उसके बाद में है हमारे शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, और उसके बाद में ए पी जे अब्दुल कलाम साहब, उसके बाद में प्रतिभा पाटिल और प्रणव, उसके बाद में रामनाथ कोविंद। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण है वो चीज़ें देखते हैं। ये तो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति रहे थे, और इनका कार्यकाल दो बार मैंने बता दिया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उप राष्ट्रपति रह चुके हैं दो बार लगातार, और दूसरे राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन की बात करते हैं, जाकिर हुसैन पहले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, और इनकी क्या हुई थी, पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है। बीबी गिरी की बात करें, इसके समय में दोहरी मतगणना हुई थी, दूसरे चरण की मतगणना हुई थी, ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, मतगणना। ठीक है, फकरुद्दीन अली अहमद जो दूसरे नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और उसकी बात करते हैं तो ये भी, इनकी भी मृत्यु कैसी हुई थी, पद पे मृत्यु। नीलम संजीव रेड्डी से नी से याद रखना है कि निर्विरोध, नी से क्या याद रखोगे, निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति के। उसके बाद में देखते हैं, हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण है मतलब शंकर दयाल शर्मा का क्रम कौन सा था, ये नब्बे राष्ट्रपति और आठवें नंबर के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये कहाँ से है, एमपी भोपाल से। ठीक है, के आर नारायण की बात करते हैं तो ये 11वें नंबर के थे, के आर नारायण 10वें, और अपने कलाम साहब याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है 11वें नंबर के कलाम साहब। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, प्रणोदा और रामनाथ कोविंद जी के बारे में आप ये ध्यान रखना है कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हमने देख लिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, यह लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू जी के, इनकी बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट पीएम, इनका कार्यकाल 2 बार लगातार रह चुका है, सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही है, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही है। सबसे छोटा कार्यकाल की बात कर देंगे, छोटा की बात करेंगे तो अटल जी का, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित देखते हैं, अगर आप, मैं आपसे डायरेक्ट बोल देता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में बनने वाले राजीव गांधी जी। कोई महत्वपूर्ण बुक की बात करते हैं तो महात्मा गांधी की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी के बुक का नाम क्या था, यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया। और उसके बाद में इसकी देखते हैं हम, लाला लाजपत राय, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, मैं यहाँ लाला ही लिख देता हूँ, लाला लाजपत राय, ठीक है। और उसके बाद में है अनहैप्पी इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम क्या था, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। डिवाइडेड इंडिया किसकी थी, तो डिवाइडेड इंडिया हमारे राजेंद्र प्रसाद की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, मूलभूत अधिकार। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगी या ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जिससे कि अनुच्छेद 13 का उल्लंघन हो, ठीक है। जो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन की बात करता है कि संसद ऐसा कोई प्रावधान या कोई संविधान संशोधन नहीं करेगी, किसमें, मूल अधिकार में, जिससे कि आर्टिकल 13 का उल्लंघन हो। फटाफट देख लेते हैं हम, मूल अधिकार की बात करते हैं, मूल अधिकार तो विकास कहाँ हुआ, तो विकास मैंने बता दिया, तो विकास हुआ था इंग्लैंड में। हमने कहाँ से अधिग्रहित किया है, तो हमने कहाँ से करा है, अमेरिका से। कितने मूल अधिकार थे मूल संविधान में, तो 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, वर्तमान में 6, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, वर्तमान में 6। और देखते हैं अपन मूल कर्तव्य की बात करते हैं, तो मूल कर्तव्य किसमें है, मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो ये किसमें है, भाग 3 में, और 12 से 35 तक। मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं, मूल कर्तव्य हमारे 11 है, और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, रूस से लिए गए थे, ये आप याद रखना, ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडिप कहा था, किसको कहा था, श्रीलंका को कहा था। श्रीलंका की बात करते हैं तो ये भारत का जो समुद्री सीमा में है ना, जो सबसे नज़दीक देश है, पड़ोसी देश है, सबसे नज़दीक देश कौन सा है, श्रीलंका। और उसके बाद में श्रीलंका को क्या बोलते थे, सिंघल
सिंगल भी किसको बोलते थे, श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो कौन है, गोटाबाया राजपक्षे, और पीएम कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। इसकी खासियत यह है कि ये दोनों भाई भाई है। ठीक है, अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती थी। इसमें हम कुछ ऐसे मंदिर लेंगे जो मध्य प्रदेश इंडिया के जो महत्वपूर्ण मंदिर होंगे और वो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसके देखते हैं। तो इसमें किस की पूजा करते हैं, बालाजी, और बालाजी किस किस भगवान को बोलते हैं वहाँ वाली साइड में, तो विष्णु जी को कहा जाता है, विष्णु जी को, बालाजी को। बालाजी जो मंदिर है तिरुपति जी, इसको क्या बोला जाता है, वेंकटेश्वर नाथ भी बोला जाता है, वेंकटेश स्वामी। ठीक है, वेंकटेश स्वामी। दक्षिण भारत की कुछ मंदिर की बात करें, तिरुपति मंदिर का निर्माण, इसका निर्माण किसने कराया, तो इसका निर्माण करा है कृष्ण देव राय के द्वारा, कृष्ण देव राय के द्वारा इसका निर्माण कराया। तिरुपति मंदिर कहाँ पर है, तो यह है अपने आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर कहाँ है, आंध्र प्रदेश। हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंदिर, कोणार्क, पहले देखते हैं कोणार्क, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये जितने भी है तो ये टपकने वाले हैं। कोणार्क, कोणार्क कहाँ पर है, ओडिशा में। और यहाँ पे कौन, इस कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया, नरसिंह देव ने। कौन से वंश का था, ये गंग वंश। ठीक है, और देखते हैं हम कैलाश मंदिर कांजीपुरम, कैलाश मंदिर कांजीपुरम, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका निर्माण कराया गया नरसिंह वर्मन के द्वारा, इसका निर्माण कराया गया नरसिंह वर्मन दीति के द्वारा। ठीक है, नरसिंह वर्मन दीति ये किस वंश के थे, तो पल्लव वंश के थे। और ये मंदिर कहाँ पर है, ये मंदिर कहाँ पर है, कांजीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं, बृहदेश्वर मंदिर इसकी बात करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, राजा राज मंदिर भी कहा जाता है, और इसकी निर्माण किसने करे, राजा राज के द्वारा ही करवाया गया। ये कहाँ पर है, ये तंजौर में है। और देखते हैं देखते हैं हम, अगर बात करेंगे तो जो एलोरा के कैलाश मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, एलोरा कैलाश मंदिर, इसका निर्माण की बात करते हैं, तो इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करा, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, तो हमारे खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण चंदेल वंश के द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा। ठीक है, और जो माउंट आबू, जो दिलवाड़ा माउंट आबू में, आबू में जो मंदिर है दिलवाड़ा के, उनका निर्माण किसने करवाया, माउंट आबू के मंदिरों का, विमल शाह के द्वारा। तो आप इतने क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि ये सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है अगर मंदिरों से क्वेश्चन बनते हैं तो। ठीक है, कपिलधारा मंदार, इसको ये दुग्ध धारा जो जलप्रपात है, ये इनमें क्या समानता है, तो इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है, झरने हैं। किस नदी पर है, ये नर्मदा पर है। कपिलधारा और दुग्धधारा की बात करते हैं, कपिलधारा और दुग्धधारा, इनकी बात करते हैं, ये कहाँ पर है, अमरकंटक, अमरकंटक में। और एक लिखो सहस्त्रधारा, ये नर्मदा पर है, ये खरगोन में।
मंदार और दर्दी, ये कहाँ पर है? खंडवा में। मंदार और दर्दी कहाँ पर है? खंडवा में। चचई जलप्रपात, चचई जलप्रपात, ये तो तीनों नर्मदा पर है, ये तो ध्यान रखना। चचई जलप्रपात की बात करते हैं, चचई जलप्रपात कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर, बीहड़ नदी पर, ये कहाँ है? रीवा में। और चूलिया जलप्रपात पर, जलप्रपात की बात करते हैं चूलिया, तो ये कहाँ पर है? चंबल पर, कहाँ है? कोटा में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला देखते हैं, नर्मदा की लंबाई तो आपको पता ही है, 13-12 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 1077। अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? किसकी बनी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो दिनेश खारा। और इसका हेड कहाँ पर है? इसका हेड है आप मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेड क्वार्टर तो ये मुंबई, मुंबई में। ठीक है, इसकी बात करते हैं, ICICI बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है वडोदरा। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। और केनरा बैंक के बंगलुरु। ठीक है, RBI एक्ट कब आया था? 1934 में। ठीक, उसकी RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। राष्ट्रीयकरण 1949 में। और RBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? RBI के वर्तमान अध्यक्ष है शशिकांत दास, या आप ये याद रखना। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर की परिकल्पना किसने करी थी? सरदार पटेल जी के द्वारा। लेकिन इसकी नींव किसने रखी है? 1961 में नेहरू के द्वारा। पूर्ण कब हुआ ये? 2017 में। इसकी ऊंचाई क्या है? 163 मीटर। ठीक है, सरदार सरोवर डैम से जो बिजली उत्पन्न होती है, तो बिजली उत्पन्न होती है तो इसमें MP, MH और GJ की बात करते हैं। MP 57%, महाराष्ट्र 27% और गुजरात को 16% मिलती है। ठीक है, बारनावान कहाँ पर है? राइस, मैं इधर लिख देता हूँ इसको, बारनावान कहाँ पर है? रायसेन में। कौन सी नदी पर? बारना नदी पर। तिगारा बांध कहाँ पर है? ये ग्वालियर में। ठीक है, बरगी बांध कहाँ पर है? जबलपुर में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध। और सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध की बात करेंगे तो वो कौन सा है? भाकड़ा नागल बांध। और जल संग्रहण क्षमता सबसे अधिक भारत के किस डैम में है? तो वो है इंदिरा सागर डैम में। ठीक है, ये आप याद रखना, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, मूलभूत अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? मूलभूत अधिकार की बात करते हैं तो भाग 3 में शामिल किया है। ठीक है, इसको देखते हैं, मूलभूत अधिकार की बात करते हैं तो भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? अपने अमेरिका से लिए गए। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, ये आप याद रखना। ठीक, वर्तमान में मूल अधिकार की बात करते हैं तो कितने हैं? 6। मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में थे 7। अगला देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी थे। स्थापना कब हुई? स्थापना की बात करते हैं 1980 में।
अटल जी के द्वारा 1980 में अटल जी के द्वारा की गई थी, और जो भारतीय जन संघ की स्थापना 1951 में, ये आप ध्यान रखना है, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेनानी नासरी सुरंग ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करते हैं तो ये अटल जी के साथ के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूँ, छप सकती है कि वर्तमान जो मान्यता प्राप्त है राजनीतिक पार्टियाँ कौन सी है, राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी कितनी है अभी वर्तमान में, 8, और 8वीं कौन सी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी कहाँ के है, मेघालय के स्थापना PN सगमा के द्वारा वर्ष 2013 में, ठीक है, वर्ष 2013 में की गई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी ओए ह्यूम के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, तो साक्षी मलिक ने जीता था, कब जीता था, 2016 में कहाँ पर ओलंपिक हुए थे, रियो में हुए थे। उसमें सिल्वर एक ने जीता था कि इसने पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता था, और साक्षी मलिक ने कौन सा जीता था, कांस्य पदक। ठीक है, तो 2016 में इसने कांस्य पदक जीता था। अब बात करते हैं कविता दलाल को कविता देवी के नाम से भी जाना जाता है, और भारत की एकमात्र रेसलर जो WWE की जो प्रोफेशनल रेसलिंग होती है उसमें ये एकमात्र लड़ती है, तो इसका WWE रेसलिंग जो प्रोफेशनल रेसलिंग होती है तो उसमें इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कविता देवी के नाम से फेमस है। ठीक है, गीता फोगाट की बात करते हैं, 2010 राष्ट्रमंडल खेल खेल में गोल्ड जीता था इसने, और गीता फोगाट वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली एकमात्र है, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली एकमात्र है ना पहलवान कौन है, गीता फोगाट। और बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में कहां पर हो रहा था, जापान की राजधानी टोक्यो में टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया है, तो किसको किया है, सतना। ठीक है, सतना, और इसमें कुछ और है महत्वपूर्ण वो देख लेता हूँ मैं ज़रा, इसमें लिखना सीहोर, राजगढ़ और सतना, सीहोर राजगढ़ सतना के जो साठ गांवों को इसमें चयन किया गया क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, यह योजना शुरू करने वाला फर्स्ट राज्य की बात करते हैं, पहला राज्य
SPIMP है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, भीमबेटिका गुफाएं किस जिले में स्थित है। भीमबेटिका की गुफाएं किस जिले में स्थित है, पहली बात तो यह कहां पर है, रायसेन में, ठीक है। रायसेन में कौन सी काल के प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं, ठीक है। इसमें क्या है, जो चित्र है वो भी अंकित किए गए, और विशाल गुफा समूह भी, विश्व का विशाल गुफा समूह भी ये भीमबेटिका। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण गुफा, देखते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है, तो उसमें देखते हैं, पहली देखते हैं हम अजंता एलोरा, ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। बाघ गुफा कहाँ पर है, धार में। मैं लिख देता हूँ यहाँ फटाफट, बिलोवा की गुफा ये ग्वालियर में। उदयगिरी कहाँ पर है, ये विदिशा। काजल रानी की गुफा खंडवा में। और एक और है काजल रानी व्रतहारी की गुफा कहाँ पर है, उज्जैन में। ये गुफाएं आप याद रखना, क्योंकि अधिक बार पूछी जाती है। मेक मोहन रेखा एवं की सीमा को विभाजित करता है। मेक मोहन रेखा किसको विभाजित करता है, भारत चाइना। मेक मोहन रेखा की बात करते हैं तो इनकी जो लाइन खींची गई थी वो 1914 में खींची गई थी भारत और चीन के बीच में, ठीक है। अगली बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसके बीच में क्या है, रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो ये कब खींची गई थी, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 में, ठीक है, 1947 में खींची गई थी, 47 करो यहाँ, ठीक है। और हम बात करते हैं कि जो अविभाजित भारत मतलब उसमें पाकिस्तान भी आता था, तो ड्यूरंड रेखा उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, और 1886 में हेनरी ड्यूरंड के द्वारा खींची गई थी। बाद में अभी वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं तो ये है अभी पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और हेनरी ड्यूरंड है उसी के द्वारा 1888 में ड्यूरंड कप की स्थापना की गई थी। ड्यूरंड कप जो हेनरी ड्यूरंड था उसके द्वारा 1888 में ड्यूरंड कप की स्थापना की गई थी। और जब 1888 में शुरू किए गए थे, कहने का मतलब ये है कि भारत का सबसे पुराना अगर फुटबॉल कप है तो कौन सा है, ड्यूरंड कप, और ये कई बार आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना में की, कहाँ पर की थी इसने, बेलूर में स्थापना की थी। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण, विवेकानंद इनका मूल नाम की बात करते थे, इनका मूल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस।
इनके गुरु का नाम था, तो सर आप तो ये भी बताओ कि इनकी शिष्या का नाम क्या था। इनकी शिष्या का नाम था सिस्टर नवेदिता, सिस्टर नवेदिता। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था एक वाक्य के, अगर आपको इंडिया को जानना है तो आप विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़ो, तो उसमें आप इंडिया को जान सकते हो। बात करते हैं विवेकानंद के महत्वपूर्ण कार्य, तो 1893 की बात करते हैं, तो 1893 में विवेकानंद जी कहाँ पर गए थे, ये गए थे शिकागो में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। और 1897 की बात करते हैं, तो 1897 में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद, जबकि इनका मूल नाम तो नरेंद्र दत्त था, तो देखते हैं कि इनको विवेकानंद की उपाधि दी किसने दी थी। उपाधि की बात करते हैं, जो विवेकानंद की तो यह है जो खेतड़ी के राजा के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।